भाई धीरे धीरे भाई धीरे, अरे भाई धीरे धीरे, हाँ बस ये स्पीड है। अभी हम आ गए एयरपोर्ट पे, तो पहले हम निकल रहे हैं केरला के लिए, तो लगेज चेक इन, ये मशीन की तरह क्या था, मुझे हमेशा दिखता था, हाँ देख लिया मजा आ गया, पर कुछ हुआ नहीं, बस एक सेकंड में निकल गया लगेज उसके बाद में। चलो ठीक है, तो मैं कहने का तत्पर्य तो ये है कि तुम्हारा भाई जा रहा है केरला, मतलब जा नहीं रहा है, किसी का नाम नहीं लिखा है, उठा ले उठा ले, क्या मारा है बाप रे, झुटू झुटू नको बोलो, ये किसका बैग है, ये यहाँ पे किसका है? भाई आराम से कन्नूर एयरपोर्ट पे उतर गए और गाड़ी भी मिल गई, लेकिन तो सबके सब उतर गए गाड़ी से, गाड़ी को धक्का मारने के लिए, और अब गाड़ी चली गई। तो आप लोगों को पता है नहीं हम लोग किधर, एक्चुअली हम लोग है एला ब्लूम्स करके जगह में, जो वायनाड के आगे आती है, ओके, राजस्थान केरला, क्योंकि जंगल के बीच में आता है, सो यू कैन विजिट लाइक वाटरफॉल्स एंड देयर इज अ ग्लास ब्रिज ओवर हियर व्हिच यू कैन वॉक ऑन, यू कैन जस्ट सर्च ऑन इंटरनेट एंड यू विल फाइंड इट। अभी मैं आपको वो सच्चाई का सामना कराता हूँ जो आपको खाली इंस्टाग्रामर्स दिखाते हैं, पर एक्चुअल सच क्या होता है। इसके साथ में हम लगाएंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक, and now the sad reality, jab aalishan kamra chalu hota hai aur khatam ho jata hai, khanda mega time hai, abhi hum log jayenge nice trek pe which is 1.5 kilometers, it's half an hour walk, then wahan pe waterfall hai, agar jisko jana hai pani mein wo ja sakta hai, lekin ghat thandi hai, itni thandi hai ki koi pani ko hath bhi nahi laga raha hai yahan pe। क्या हुआ इसको सुबह सुबह, क्या हुआ भाई, मैंने क्या किया ऐसा जो सब साले, यहाँ पे बिल्लियाँ भी मेरे पीछे भाग रही है, कुत्ते भी मेरे पीछे भाग रहे हैं, ऐसा कुछ किया नहीं, ये जब जाता है तभी खाने का कुछ ना कुछ लेके आता है साले, कुछ भी अटकता है, मेरे को भी अटकाता है इधर, हाँ ये चू 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 चू, अरे मेरे को क्यों, मैंने क्या किया। सो दिस वॉज आवर स्टे फॉर द नाइट, एक्चुअली यहाँ पे आने के लिए जीप में बैठ के 9.5 किलोमीटर चढ़ाना कुछ खास नहीं है obviously, अगर आप इतने जंगल में आते हैं तो रूम आपको ऐसे मिलने भी नहीं वाले, ये सारा सुबह का निकला नहीं, चिप के साथ में ब्रश किया, क्या तू ब्रश किया, झूठ करके सोया बोलता है, बस नींबू के झाड़ है, एंड देयर इज अ रैबिट, ओ यहाँ पे सारे ही जानवर कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली है, मतलब कैट डॉग सब एकदम पास पास में आके चिपकेंगे आपको, और ये भी हाय बनी, हाय बनी, उसको भी तेरा चिप्स चाहिए साले। केरला में यूजली सब लोग नॉनवेज ही खाते हैं, इसलिए वेज वालों के लिए और जैन वालों के लिए कुछ है ही नहीं। ये चिप्स है, बनाना चिप्स, मतलब मैगी वैगी लेके आए थे, तो दे वर वेरी गुड पीपल, आई मीन दे जस्ट कुक्ड फॉर अस एंड वी एट दैट। क्या है, आप आके रह सकते हो, एंड दिस इज सफेद बिल्ली, सफेद बिल्ली, सफेद बिल्ली, क्या है ऐसा आप, लेकिन यहाँ पे ठंडी एक नंबर ठंडी है, पंखे यहाँ पे है ही नहीं सबसे पहली बात रूम में, क्योंकि उनको पहले से पता है इतनी ठंडी होती है यहाँ पे, मतलब जितना गाड़ी जाने का रास्ता है पूरा बंद हो गया था एक हफ्ते के लिए ड्यू टू हैवी रेन्स, लेकिन अभी चालू कर दिया क्योंकि ये लोग अभी पैसा कमाने, एग्जैक्टली वाइल्ड, मतलब इतना वाइल्ड है, रात को लीच ने काट दिया, मेरे को लगा मजाक कर रहे लोग। सो वी ऑल आर गोइंग फॉर अ ट्रैक, ये हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था, छोटे से पैकेज में ये सब एनिमल्स के ट्रैक, ये लीच बाइट सब इंक्लूडेड था पैकेज में, और ये मिनी कैट भी, सो इट्स लाइक अ पॉइंट ओवर देयर, ओके, जहाँ पे सारे जीपे पे खड़ी रहती है नीचे पार्किंग लॉट में, एंड यू हैव टू स्विच फ्रॉम योर कार टू देयर 4x4, एंड देन यू कम ऑल द वे ओवर, हम लोग ये रास्ते से हम लोग एक्चुअली गाड़ी चला गया है जहाँ पे इंसान बराबर से नहीं चल सकता है, ये इतना स्टीप है रास्ता, और ये आदमी दिन में 4-5 बार लोगों को वहाँ पे लेके जाता है, गुटखा खाता है, नहीं दारू पीता है, इतना पावर कैसा है तुम्हारा। अगर हम लोग लास्ट ब्रिज देखने के लिए आए थे, सबका जीप इधर ही है, सारे रिसोर्ट के सारे जीप भेजो इधर ही आ गए, हम लोग जैसे 5-10 लोग हो गए ऐसे ज़्यादा, सबको इधर ही आना है, मतलब यहाँ पे 2 ग्लास ब्रिज है, लेकिन सब रिसोर्ट वाले सबको यहाँ पे ही लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसा मिलता है लोगों को कमाने के लिए, दे विल चार्ज यू टू गो इनसाइड। पूरा ग्लास ब्रिज है जिसमें हम लोग खड़े हैं, वहाँ पे एक्चुअली एक स्विंग है जो बंद हो चुका है, और यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारे लोग हैं, अनएक्सपेक्टेडली, हाँ एक्चुअली एक्सपेक्टेड था थोड़ा। ये हम लोगों ने
नया फ्रूट लिया ट्राई करने के लिए। क्या बोलते हैं, रंबोटा ना भैया? रंबोटा, इट्स गुड, इट्स लीची विदाउट वाटर। फिर देखो भाई, जंगल में रह के भाई इतनी सारी तपस्या करने के बाद हम सोचा थोड़ा खर्चा भी कर ही लेते हैं इधर है तो एक अच्छे होटल में रुक गए। फिर क्या भाई, पूरे दिन क्या घर पे बैठ रहेंगे, निकल पड़े हम वापस घूमने के लिए। अभी जा रहे हैं एबी फॉल्स और हम सोचे कि आई गए तो थोड़ा रील शील भी बना देते हैं, लेकिन ये लंडूर वो बच्चे होते हैं ना रस्ते पे भागते हैं, वाटरफॉल की तरह आए लेकिन छाता लेके। तेरा घर इसमें चले जाएंगे पूरा भाई। असली ब्लॉग तो यहाँ से चालू हुआ है। जीप सफारी के लिए निकले हैं, अभी भी चालू हो गए। देखो सोने मुखड़े, पता नहीं कैसे बाद में दिखेंगे, इसलिए अभी से दिखा रहे हैं। दस पंद्रह मिनट से बैठे हैं, सफारी चालू ही नहीं हो रहा है अभी तक, रोड पे चला रहा है। ये सफारी, चूना मत लगाओ, ले तेरा ऑफ रोड। ये लग रहा है कि चालू हो चुका है सफारी, मतलब पार्क करके रख दी यहाँ पे, पार्क कर दिया तो हो गया फिर हमारा सफारी खत्म। कान पटे तो पटे, दूर दूर गड्ढा ना कटे। वापिस लगा तेरे को मुंबई लिया, कल मैं आपका स्वागत है। अच्छी था, कैसा था एक्सपीरियंस? लेकिन हम लोग को इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, वो खुद खड्डे में ले रहा था फिर बाद में। ठीक था, ठीक ठीक था, व्यू बहुत अच्छा था, व्यू बहुत अच्छी थी, थोड़ी पैसे भी दिखी रास्ते में। तो वहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिया, थोड़ा ट्रैकिंग है ऊपर जाने का, व्यू देखने का, देखते कैसा दिखता है। एकदम प्रिपेयर आए नहीं थे हम लोग, शूज कोई जॉर्डन पहन रहे हैं, सादे जूते पहन रहे हैं, कोई चप्पल में चढ़ रहे हैं। ठीक है, इधर भी आ गए तो हम सोचा रील बना ही देते, लेकिन ओ भाई साहब यहाँ पे इतना हवा था कि साला माइक में कुछ आवाज ही नहीं आया। क्या क्या बोला, बेसिकली मैं ये बोला था डूड यहाँ पे आने के बाद जो फीलिंग आया क्या ही बताओ यार, इट्स सो फकिंग ब्यूटीफुल। एंट्रेंस था और यहाँ से पूरा ऊपर से चढ़ के गए थे हम लोग। अभी एक्चुअली फॉग है इसलिए कुछ दिख रहा नहीं है, बट आई बैठ के एक बार फॉग हट जाए तो इसका व्यू बहुत ही अच्छा है। और कोई तो गिरते गिरते बच चुका है, कैमरे पे नहीं आ पाया ये, स्टंट मार रहे हैं तो गिरना मत। खाने का भी डाल देना, ब्रेक पाउडर चोर है ये हमारे।